हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग। इसका टॉपिक है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, आप और आपके पर्सन ब्लॉक कम्युनिकेशन में हैं, आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस और आपके पर्सन आपसे लाइक एक दूरियाँ आ गई हैं, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो क्यों आपके जो पर्सन है वो साइलेंस है। सो मैं इसी के आज की टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ कि वो साइलेंस क्यों है, कब तक साइलेंस रहेंगे, कब कम बैक होंगे आपकी लाइफ में, कब आपसे बातचीत करेंगे, कब आपको कॉल मैसेज करेंगे या फिर कब आपको अनब्लॉक करेंगे। सो आपकी जो भी सिचुएशन हो आप उसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। एंड जनरल बेसिस के प्रेडिक्शन रहेगा ये, तो आप जनरल तरीके से देखिए। अगर आपके साथ में रेजोनेट होता है तभी आप इस रीडिंग को देखिए। सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, बिकॉज मैं डेली नोटिफिकेशन लेकर आती रहती हूँ फॉर टैरो कार्ड रीडिंग। सो द मून, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर मैं करेंटली फीलिंग्स को देखूँ तो मून की कार्ड की एनर्जीज है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो सैड मुझे नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को एकदम से समझने की कोशिश कर रहे हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं। एकदम से उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना अचानक से उनके पास आ गई हैं, और सिर्फ उन्हीं के पास आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को परेशान कर रही हैं, या फिर बहुत सारे इशूज़ उनके पास आ गए। मतलब हर तरीके से उनको ऐसा फील हो रहा है कि चारों ओर से प्रॉब्लम्स उनके पास आ गए। लाइक जो डॉगीज़ कहीं ना कहीं कार्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस स्कॉर्पियन, ये सारी चीज़ें, डॉग्स एंड स्कॉर्पियन, सारी कुछ चीज़ें मिलके ना इस पर्सन को सैड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जिस भी चीज़ को आपके पर्सन महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप लोग के बीच में आई है, आपके रिलेशन के बीच में आई है। सो मैं देख सकती हूँ थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इनसे शायद आर्ग्यूमेंट्स में है, इन्हें ब्लेम कर रहा है, इनकी बात नहीं मान रहा है बल्कि इनसे अपनी बात मनवा रहा है और प्रेशर में रख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर नज़र आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर कि वो खुलकर विचार विमर्श भी नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और एनर्जीज लूँगी क्यों आपके जो पर्सन है द मून के कार्ड की एनर्जीज में है, क्यों है वो इस एनर्जीज में। ओके, सो कहीं ना कहीं बड़ी वजह उनका सैड होने की आज मुझे पास्ट भी नज़र आ रहा है। पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं भूलने की, बिकॉज़ बट वो भूलना ही नहीं चाहते। क्यों भूलें वो उस चीज़ को, क्यों भूलें वो सुंदर पास्ट को जिसमें आप और उनका जो रिलेशन था इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा मजबूत था, क्यों भूलें वो उस पास्ट को। सो बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहते हैं उस पास्ट को। वो उसकी मेमोरीज कहीं ना कहीं हमेशा याद आती रहती है और उनको बहुत इमोशनल करती रहती है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पर्सन है हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी भी चीज़ के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ से, आपके मैसेजेस से, आपकी कोई ना कोई मेमोरीज से, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी आपकी जो आपके पर्सन के पास इस वक्त मौजूद है। भले ही आप उनके साथ आप मौजूद नहीं हो बट वो चीज़ उनके पास है। सो वो चीज़ आपको हमेशा उन्हें याद दिलाती रहती है। शायद वो मोमेंट्स जो आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किए थे, तो वो बहुत सारी यादें उनके मन में ना एकदम हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। सो हमेशा उन चीज़ों को वो याद करते रहते हैं और उन चीज़ों को याद करके उनको फील होता है कि कब वो उस थर्ड पर्सन वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे, बिकॉज वो अब खुद कहीं ना कहीं बाहर आना चाहते हैं। चीज़ों को शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए वो पास्ट में। सो टेम्परेंस कहीं ना कहीं गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से सिचुएशन से बाहर आ जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें खुद से ही अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं या फिर जिस भी पर्सन के साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते वहाँ से हमें खुद से जाने का मन करता है, अच्छा फील नहीं करते हैं। हमें फील होता है कि जल्दी से जल्दी हम सिचुएशन से फ्री हो जाए ताकि हम अपनी लाइफ में और आगे कंटिन्यू कर सकें। सो एट ऑफ वॉन्ट्स, कहीं ना कहीं आपके आपके पर्सन के बीच में जो दूरियां हैं ना, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं। मतलब बिल्कुल वो रहना नहीं चाहते, इनकम्प्लीट सा, अधूरा सा महसूस करते हैं ना, सब अधूरे अकेला से फील करते हैं। सो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आया और उन्हें अलोन कर दिया, बिल्कुल अलोन वाली फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं उनकी मुझे आर्ग्यूमेंट्स भी नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है वो आपको मिस करते हैं बट आपसे मिल नहीं पाते, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं, सारे केसेस में नहीं कह सकती हूँ मैं गाइस, बट कुछ केसेस में हो सकता है उन्हें कुछ ईगो प्रॉब्लम हो, या फिर ना भी ईगो प्रॉब्लम हो तो क्या पता उनके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ ही ना बन पा रही हो। थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर में रखा हो कि मतलब आप उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, पास्ट के पर्सन को कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, तो वो उदास हो गए, एकदम एक जगह ना चुप करके बैठ गए हैं बिल्कुल, कि ठीक है। फिर वो गुस्सा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हर किसी से, और मतलब उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, आर्ग्यूमेंट्स हो रही, हर किसी से गुस्से से रिप्लाई कर रहे हैं, गुस्से से जवाब दे रहे हैं थर्ड पर्सन को भी। सो बहुत ज़्यादा मैं देख सकती हूँ कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने ऊपर बर्डन महसूस कर रहे हैं ये, मतलब इन्हें थर्ड पर्सन ने शायद बाउंड किया है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने बर्डन्स में, बहुत सारी चीज़ों में।
तो मतलब बिल्कुल भी इनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि फ्रीडम, बिकॉज आपके साथ ना इन्हें अपनी फ्रीडम महसूस होती थी, स्ट्रेंथ महसूस होती थी। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पूरी पूरी रात, शायद ये जा करके ना अपने पास्ट को सोच रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने क्यों, पास्ट से बाहर आ गए क्यों, पास्ट के पर्सन से जो कि इतना ज़्यादा इनकी केयर करता था, इनकी सेफ्टी करता था, इन्हीं का तो भला चाहता था, तो उस पर्सन से क्यों ये बाहर आ गए। तो सारी चीज़ों का अभी अपने आप से ही सवाल जवाब इनके चलते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में है, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, फिर कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी चेंजेस कहीं ना कहीं चल रही हैं। अब मैं देखूंगी कि वो साइलेंट क्यों है, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की सारी बातों को वो समझ चुके हैं कि उसने ट्रिक्स खेली या फिर चीट किया, फिर जो कुछ भी किया। तो अब मैं देखूंगी कि क्यों है वो साइलेंट थर्ड पर्सन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी जाकर क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, और कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं डेली सबके लिए प्रे करती हूँ। सो प्लीज़ आप अपने नेम्स को कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए, सो डैट मैं आपके लिए भी प्रे कर सकूँ। बिकॉज मैं डेली हर किसी के लिए प्रे करती हूँ कि हर किसी की विशेस पूरी हो, हर किसी को गॉड ब्लेसिंग्स दे, हर कोई पॉजिटिव रहे, ऑलवेज बिलीव इन गॉड। सो देख लेती हूँ आपके पर्सन, ओके द लवर्स की अटेंशन, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सिचुएशन में फंस गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा लवली फीलिंग्स में है आपके साथ, इमोशनल है, ट्रू लव मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, बट उसके बावजूद अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे वो बातें कहना चाहते हैं जो शायद उन्होंने आपसे कभी नहीं कही, या फिर वो आपसे कहना चाहते थे बट वो आपसे कभी कह नहीं पाए। तो इतनी सारी चीज़ें इनके मन में चलती रहती है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपसे ना एक्सप्रेस ही नहीं करते, आपको बताते ही नहीं है। कभी कभी इनका मन करता है कि वो एकदम से आपको अनब्लॉक कर दे, सॉरी बोले, या फिर आपसे आपको समझाएं कि अगर ये मिसगाइड भी हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई थी, तो शायद कहीं ना कहीं इनकी गलती थी, कहीं ना कहीं ये मानते हैं। बट अभी आपकी लाइफ में कमबैक होने को तैयार, आपकी लाइफ में कमबैक होने को तैयार है, वापस आने को तैयार है। आपके साथ इतनी ट्रू फीलिंग्स होने के बावजूद ना जाने क्यों ये आपसे अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा छुपा रहे हैं, बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू होने के बावजूद इंसान बिल्कुल शेयर नहीं कर रहा है। टू टू कार्ड्स हमारे पास में आ रहे हैं, टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स के कार्ड की एनर्जी। बहुत ज़्यादा मतलब ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इतनी ज़्यादा इमोशन, ट्रू फीलिंग्स एकदम प्योर, मैं कहूँगी हार्ट से हार्ट का कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, बट उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं आपसे शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोचते हैं वो शेयर करेंगे, आपके पास कमबैक होंगे, तो फिर कहीं ना आपको कमिटमेंट्स देने चाहिए ना, आपके आपको प्रपोजल्स देने चाहिए, कहीं ना कहीं आपसे मैरिज का या फिर किसी भी चीज़ का अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है तो उसे फुलफ़िल करना चाहिए। और उसको उस कंडीशन में जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन उनको बाउंड भी कर रहा है, तो वो दोनों ही तरफ से मुझे लग रहा है फंसे हुए इस वक्त सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इतने ट्रू फीलिंग्स है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि छुपाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं शायद उनको लगता है आपको भी बुरा लगेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद इन्होंने आपसे भी आपसे मूव ऑन हो गए, तो इस बात को ये जानते हैं, इन्हें रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का बुरा लग रहा होगा, आपको भी इस बात का दुख होगा कि अचानक से ऐसे ही चले जाने का क्या मतलब है, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देना चाहते थे, स्टेबिलिटी देना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपको भी शायद इन्होंने रूड बिहेवियर किया है, आपके कॉल्स का मैसेज का जवाब नहीं दिया, आपको ब्लॉक करके रख दिया, या फिर मतलब बिल्कुल भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं करना, आपसे बात नहीं करना। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना सोच सोच के एकदम उनको कहीं ना कहीं हेडेक होता होगा, डे नाइट वो आपके बारे में सोच रहे हैं, 24 आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन की कोई फैमिली हो जो शायद इनको जिससे ये शायद मूव ऑन नहीं हो पा रहा, हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पर्सन, या फिर इनका कैरियर हो सकता है, जिसको उन्हें भी इंपॉर्टेंस इनको देनी पड़ रही है और आपको भी देनी पड़ रही है, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका रिलेशन जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिस्टर्ब हो गया इन सारी चीज़ों के चक्कर में। सो आपके पर्सन इस वक्त टोटली मुझे साइलेंस मोड पर नज़र आ रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, थर्ड पर्सन पे कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, बट कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को भी वो छुपा रहे हैं, बिकॉज वो किसी से कुछ शायद कह नहीं सकते, या फिर कहना नहीं चाहते, या फिर एकदम अलोन हो गए खुद से, तो उनको मतलब जैसे अलोन हो गए, एकदम इंसान शांत हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, शायद चुप करके बैठ जाता है एक जगह पे, या फिर अपना काम करता रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोचता है कि क्या सोल्यूशन अब वो करें सिचुएशन का, जिसमें सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ है कि
क्योंकि ना वो थर्ड पर्सन के पास कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ना आपसे दूर अच्छा महसूस हो रहा है, और ना अलोन फील हो रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना कि वो अपनी लाइफ में अलोन हो गए हैं। आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट उसके बावजूद वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, उलझन महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी उनका मन करता है किसी से अपनी फीलिंग्स कहें, किसी से शेयर करें अपने इन फीलिंग्स को, और कम से कम आपसे, बिकॉज ये आप ही के लिए फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने ड्रीम देखा था, शायद ना जाने उन्होंने आपसे शेयर किया या नहीं किया। इनका और आपका कोई ड्रीम होगा जिसमें शायद उन्होंने आपको एज अ फैमिली देखा था, या फिर शायद आपसे मैरिज करना चाहते थे, या फिर शायद हमेशा हमेशा आपके साथ रहना चाहते थे। मतलब इस टाइप की चीज़ें शायद उन्होंने कोई ड्रीम्स में देखी, तो वो सारी चीज़ों ने अपने दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो ये अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना इन्हें मुश्किल हो रहा है, तो उसी लिए मुझे कहीं ना कहीं साइलेंस नज़र आ रहे हैं। वही मुझे, मैं लास्ट कार्ड लूँगी एक इनके लिए, आपके पर्सन के लिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं डेली नोटिफिकेशन लेकर आती रहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड पर्सनल लिंक की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दे गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द किंग ऑफ सोर्स, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, एंड बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब अपना मुझे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कदम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो भले ही इतने दिन तक साइलेंस हो गए, इतने दिन तक चुप रह गए, बट अब हमेशा हमेशा के लिए तो वह ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकते। सो कहीं ना कहीं मुझे वो कदम लेते हुए, स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। फिर मतलब जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है तो हर किसी के साथ में एक्यूरेट नहीं होगी, बट मुझे काफ़ी केसेस में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है गाइस की। हो सकता है बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करें किसी भी बहाने से, या फिर किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करें, बट कॉन्टैक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी जो फीलिंग्स हैं ना इन्हें दबा नहीं पाएंगे। एंड फाइव ऑफ फाइव, कहीं ना कहीं अपना जो गोल है, जो इन्होंने अपने मन में ठान लिया है, जो चीज़, जो डिसीजन, ये उसको फुलफिल करने वाले हैं, करके रहेंगे, बिकॉज अब इन्होंने अपने मन में इरादा पक्का कर लिया। एंड द बॉटम कार्ड इज द लवर्स, वाओ। सो कहीं ना कहीं आपको लेके इनका जो भी गोल है ना, ये उसे पूरा करेंगे एंड करेंगे ज़रूर, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक गुड रिलेशन नज़र आ रहा है, गुड कनेक्शन नज़र आ रहा है। सो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपके जो पर्सन है बहुत जल्द आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने साइलेंस को फिनिश कर सकते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको कैसी लगती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग्स, मुझे आप नीचे कमेंट करके बताया ज़रूर कीजिए, सो डैट मैं आपके लिए और टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर आऊँ। एंड अगर आप कोई भी सजेस्ट करना चाहते हो टॉपिक, या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे दे गए कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, सो डैट मैं आपके लिए वो रीडिंग को लेकर आ सकती हूँ। एंड टिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।